छतरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को जिला न्यायालय प्रांगण छतरपुर में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी हाईकोर्ट जबलपुर के मुख्य आतिथ्य में हुआ है। न्यायमूर्ति श्री द्विवेदी सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव, कलेक्टर शीलेन सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश दीक्षित ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। लोक अदालत एवं मध्यस्थता के उद्देश्य कला पथक दल के राकेश पटेरिया एवं साथियों ने संगीतमय प्रस्तुति से बताए। आज की नेशनल अदालत के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी सर, यहाँ उपस्थित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा जी, पार्क के अध्यक्ष श्री राजेश दीक्षित जी, मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्माननीय न्यायाधीशगण, सभी सम्माननीय अधिवक्तागण, सभी सम्माननीय पत्रकार भाइयों बहनों और पत्रकार साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हम तभी तरक्की कर सकते हैं जब हमारे आसपास शांति हो, अच्छे लोग निवास करते हों। परंतु इस सब के लिए हमारी भी जवाबदारी होती है कि हम लोग भी कुछ अपना सब्र करें। जब भी कोई झगड़ा होता है तो निश्चित तौर पर मैं और अहम की जो भावना रहती है कि मैं सबसे बड़ा, मेरे से ये कैसे हो सकता है सामने वाला, ये भावना जिस दिन आप कम कर लेंगे निश्चित तौर पर लड़ाई झगड़े कम होंगे। और अगर लड़ाई झगड़े कम होंगे तो समाज और आसपास आपका शांतिप्रिय होगा, तो आप अन्य अच्छे कामों के बारे में सोच पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। आप सब जो यहाँ विराजमान हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की व्यवस्थाओं में हम लोग योगदान दें कि समाज शांतिपूर्ण तरीके से समरसता के साथ, सामंजस्य के साथ रह सके। जो केसेस मुकदमे आपके पास आते हैं उसमें भी कोशिश करें कि पक्षकार कैसे जल्दी से जल्दी उनको राहत मिले। और ये समझौता एक सबसे बेहतर रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों को एक चिरस्थायी समाधान मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को कौरवों ने मान लिया होता तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता और इतना नुकसान नहीं होता। ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपके आसपास होंगे। मैं एक अपना खुद का उदाहरण बताना चाहूंगा आप लोगों के। मैं जब जतारा में मेरी पोस्टिंग थी 2004-5 की बात है, एक बहुत मोटा केस, एक सिंपल कब्जे का था। दो भाई उसमें आपस में लड़ रहे थे, यादव बंधु थे, बाजीतपुरा एक गाँव था। मुझे लगा इतना बड़ा केस, इतना मोटा फाइल कैसे हो गई, जबकि छोटा सा अतिक्रमण का केस, आधा बीघा पे इंक्रोचमेंट्स की फाइल थी। और दोनों सगे भाई 79 से वो केस लड़ रहे थे। उनकी एज उस समय एक की 25-26 रही होगी और दूसरे बड़े भाई की उससे ज्यादा 27-28। जब लड़ते लड़ते जब मेरे पास अपील में वो केस था तो लगभग उनकी एज 70 साल के आसपास लोगों की हो चुकी। मैंने देखा कि इतना दोनों भाई लड़ रहे हो तो मुझे लगा कि इनसे बात करूंगी क्या बात। जब भी कोई पक्ष जीतता था दूसरा पक्ष उसके साथ अपील में चला जाता था, कहीं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक वो केस जा चुका था, परंतु दोनों भाई संतुष्ट नहीं थे। फिर मैंने दोनों से बात की कि भाई ये जमीन की कीमत क्या हो गई, तो उसने बोला साहब 50-60 हज़ार होगी या 70 हज़ार होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैंने कहा आप जो इतने सालों से मुकदमा लड़ रहे हो, आप पहले बड़े भाई आप बताओ कितना खर्चा कर चुके होगे अब तक। बोले साहब मेरा 15-20 लाख खर्चा हो गया। दूसरे से पूछा, बोले साहब मेरा भी लगभग इतना ही हो गया होगा। तो मैंने कहा एक तो तुम दोनों सगे भाई हो, जिस जमीन की कीमत 60-70 हज़ार है और तुमने एक ने 15-20, मतलब 30-35 लाख रुपए दोनों मिल करके खर्च कर चुके हो, ये क्या बुद्धिमत्ता है। इसी बीच उनके परिवारों में, उनके लड़कों में, लड़के भी चूंकि बड़े बड़े हो गए थे तो आपस में झगड़े होने लगे थे, क्रिमिनल केसेस भी रजिस्टर हो गए थे। वो उनके कुएं पे जाकर के कोई सामान तोड़ देता था, कहीं इनको मौका मिलता था तो ये भी तोड़, मतलब एक झगड़े के कारण और एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए। फिर मैंने कहा कि तुम इसका फैसला चाहते हो या समझौता चाहते हो, क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा साहब, जब बहुत देर बात करी तो उनको थोड़ा सा दोनों इमोशनल हो गए कि मैंने कहा दोनों भाई लड़ रहे हो इतनी देर से, आधा घंटे काउंसलिंग के बाद, तो दोनों तैयार हो गए कि साहब आप जैसा कहो वैसा आप हम लोग तैयार हैं, अब हम इसको फैसला नहीं चाहते हैं, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं गाँव में आऊँगा, वहीं आपसे बात करूँ। वहाँ एक टीम लेकर के नेक्स्ट डे गया
दोनों की जमीन ना थी, आधा एक बीघा भी नहीं थी और कम थी। दोनों भाइयों को ने गले लगाया एक दूसरे को। मैंने कहा छोटा भाई पहले बड़े भाई के पैर छुए, इस तरह से उसने पैर छुए और वो झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो एक समझौता एक बहुत बड़ी चीज होती है जो दो भाइयों के इतने सालों तक बांटे रहा वो उनका समाप्त हुआ। तो इस तरह से मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, चाहे पक्षकार गण है, चाहे अधिवक्ता गण है, चाहे न्यायाधीश गण है, हम सब लोग इस परंपरा को, इस धारणा को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे झगड़े कम होंगे और ये समाज बेहतर विकास के बारे में सोच पाएगा, ऐसा मेरा मानना है।